दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मैं उर्दू यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और लेटेस्ट उर्दू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान और अपने तमाम व्यूअर्स को यूट्यूब की तरह में एक बार फिर बहुत खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक हाउ यू कैन चेंज योर फेसबुक नेम इन स्पेशल करेक्टर्स एंड हाउ यू कैन पोस्ट स्पेशल करेक्टर्स इन योर स्टेटस और टाइम लाइन, कि किस तरह से आप अपना फेसबुक का नाम स्पेशल कैरेक्टर्स में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से अपने स्टेटस में अपने टाइमलाइन पे किस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स को पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हमारे पास एक ऐसी साइट है जो हमें ये नेम जनरेट करके देती है स्पेशल कैरेक्टर्स में और जो कि फेसबुक के लिए ही बनाई गई है स्पेशल, तो उस पर वही चीज़ हमें मिलती है जो फेसबुक एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है और इसी तरह के एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो हमें स्पेशल कैरेक्टर्स देती है पोस्ट करने के लिए, या इसमें बहुत से सिंबल्स यूज़ होते हैं जो स्पेशल होते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं सबसे पहले अपनी साइट की तरफ, दोस्तों फिर मैं आपको लेके जाऊँगा मोबाइल ऐप की तरफ। चलते हैं अपनी साइट की तरफ, साइट का नाम है दोस्तों fsymbols.com। आपने गूगल में आना है और एफ सिम्बल्स लिख के सर्च करना है, तो यहाँ पे आपने साइट खोल लेनी है fsymbols.com के नाम से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि fsymbols.com में सिंबल्स हैं, करेक्टर्स मैप है, इमोजी है, इमोशंस है, फेसबुक स्टफ है, कूल टेक्स्ट है, ऑन कीबोर्ड है, लेटर साइन एंड टेक्स्ट आर्ट। दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टफ है, इसमें बहुत कुछ है इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों आप जितने भी यहाँ पे ये तस्वीरें देख सकते हैं, इमेजेस देख रहे हैं, या आप इनको यहाँ से कॉपी करके इजीली अपनी फेसबुक की टाइमलाइन में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से सभी तस्वीरें, जितनी तस्वीरें हैं सभी की सभी भी पोस्ट हो सकती हैं अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पे, तो बहुत ही ईजी है। दोस्तों आप यहाँ से कोई भी इमेज को कॉपी कर लें, मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखा, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ से यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, उसको हमको अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट करता हूँ। ये मैंने पोस्ट किया, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आग का निशान आ गया है जो यहाँ पे पोस्ट हो गया है, और ये बाकी भाइयों के मोबाइल पे या पीसी पे भी ये इसी तरह शो करेगा। दोस्तों आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी फेसबुक के टाइमलाइन पे। और दोस्तों आते हैं हम अपने नाम की तरफ, फेसबुक स्टफ में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक अ फेसबुक नेम विद सिंबल एंड कूल लेटर्स, इस तरह से हम अपना फेसबुक का नेम कूल लेटर्स में बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे कि अली रज़ा लिख दिया। दोस्तों ये देखिए, इसने हमें अली स्पेशल लेटर्स में करेक्टर्स में लिख के दे दिया। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह से आप बनाना चाहें, यहाँ से बना सकते हैं अली रज़ा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपने पसंद का भी बना सकते हैं, इसके अलावा ऊपर भी ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अली रज़ा चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी ऑप्शन दी गई हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिख रहा है प्लीज़ चेंज डायरेक्शनल एक्सेंट लेटर्स टू नॉन एक्सेंट वंस ऑन योर नेम विल प्रॉबर्ली नोट गेट एक्सेप्टेड बाई फेसबुक। कह रहा है दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस करें कोई लेटर में, ये अगर ये ऐसे लेटर रहेगा तो आपका फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम एक एक करके चेंज करके देख लेते हैं, ये कौन सा कह रहा है हमको, हम सभी चेंज करके देख लेते हैं किसी पे भी। कोई लेटर ऐसा है जो फेसबुक पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो हमें शो कर रहा है कि आप कोई सा लेटर चेंज करें जो फेसबुक हमें ये पोस्ट करने दे। दोस्तों आपने इसी तरह से चेंज कर लेना, ये देखो दोस्तों ये हो गया अली रज़ा, आपने इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेना है नेम, ये देखिए कॉपी हो गया, और आपने अपने नेम पे आके सेटिंग में आके
पेस्ट कर देना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे नेम है एडिट, यहाँ पे ये नेम है, इसको एडिट करते हैं। दोस्तों ये अबाउट में आ गया, हम दोबारा जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स को, ये देख सकते हैं कि फुल नेम है। दोस्तों यू कांट चेंज योर नेम राइट नाउ बिकॉज यू आर ऑलरेडी चेंज विद इन 60 लास्ट 60। दोस्तों ये मुझे बता रहा है कि आपने अपना नाम चेंज किया था, मैंने अपना नाम इसलिए मुझे 60 डेज के लिए कह रहा है कि 60 डेज से पहले आप अपना नाम चेंज नहीं करते। दोस्तों आपने यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है टेक्स्ट और अपने नेम में आके इसे पेस्ट करके ओके कर देना है, तो आपका ये फेसबुक का नेम चेंज हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी मैंने यहाँ से ही appsymbol.com से ही कॉपी करके पेस्ट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें जानने वाली हैं। हम बैक आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से ही दोस्तों आप जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स देख रहे हैं आप इसी तरह से ही फेसबुक की टाइमलाइन में पोस्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर इमोजीज हैं, देखें दोस्तों आप टेक्स्ट इमोजी कोई भी ये कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और अपनी फेसबुक की टाइमलाइन में पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉपी करके दिखा देता हूँ, पेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने पेस्ट किया और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम पेस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको टेक्स्ट भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि किस तरह से टेक्स्ट हम पेस्ट कर सकते हैं स्पेशल। ये इस पर मैंने किया भी हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली मैं नेम चेंज इन सनी सोशल सोसाइटी, ये दोस्तों टेक्स्ट मैंने यहाँ से ही कॉपी किया था और अपनी फेसबुक पे पेस्ट किया, तो इस तरह से ये सिंबल यहाँ पे शो हुए जो स्पेशल कैरेक्टर्स में हैं। दोस्तों यहाँ से इमोजी सिंबल्स हैं, यहाँ पे शेयर इमोशंस हैं, यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन टेक्स्ट आर्ट है। दोस्तों आप इसी तरह ही यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है हाउ आर यू, यहाँ से आपने कॉपी किया, ये देखिए यहाँ से आपने कॉपी किया और टाइमलाइन पे जाके पेस्ट कर दिया। देखिए दोस्तों वैसे ही पेस्ट होगा हमारी टाइमलाइन पे, आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए हाउ आर यू वैसे ही पेस्ट हो गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और बहुत से भी टेक्स्ट हैं, इसके अलावा ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है और इसके अलावा फनी फेसबुक स्टैचूज भी हैं यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कूल टेक्स्ट हैं। ये लेटर्स में हम चलते हैं, लेटर्स में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये सभी स्मॉल, ये देखो दोस्तों इस तरह से हम इस पे स्पेशल कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। हाउ आर यू, ये दोस्तों हमने छोटे लिखे यहाँ पे बड़े सारे शो करवा रहा है, तो ये सिर्फ बड़े होने के लिए ही है शायद। तो हम बैक आते हैं यहाँ से ये बबल्स में, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बबल्स शो कर रहा है, इस तरह से हम बबल्स में भी अपना नेम लिख सकते हैं। सॉरी नेम नहीं, कुछ भी स्टेटस जो आपने पोस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने जाके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह सेम टू सेम पेस्ट हो रहा है जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स में है। तो इसी तरह ही दोस्तों आप जो कोई सा भी आपको पसंद आए आप यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं, यहाँ पे लाइंस वाला है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल वाला है, यहाँ पे वेवी है, यहाँ पे डार्टी है, यहाँ पे ब्लॉकी है, यहाँ पे बोल्ड है जो मैंने किया था सबसे पहले आपको दिखाया था। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स में लिखा जा रहा है, जो कुछ भी आप यहाँ टाइप करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स में आप लिख के इसे अपनी फेसबुक पे की टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और इसमें इसके फंक्शन दिखाता हूँ, इसमें दोस्तों बहुत ही कुछ है, बहुत कूल स्टफ़ है,
आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आर्ट भी है जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा। यहाँ पे टेक्स्ट आर्ट में आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, ये हमें यहाँ से पूरा कॉपी कर सकते हैं और अपनी टाइमलाइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं, अपनी अबाउट में पोस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी अबाउट में कुछ पोस्ट किया था, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट में आया मैं और यहाँ पे डिटेल अबाउट भी। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ मैंने यहाँ से लिया है, एंड्रॉयड का साइन लिया है, ये डिश डिजिटल डिश का साइन लिया है, तो ये मैंने यहीं से कॉपी करके अपने अबाउट में पेस्ट कर दिए हैं। दोस्तों आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स को कॉपी कर सकते हैं और अपनी टाइमलाइन में, अपनी अबाउट में या अपने दोस्त को मैसेज भी कर सकते हैं। एक दफ़ा कॉपी हो जाएगा तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करें या अपने फ़ोन से मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है इसी के साइन आपको मिलेंगे, इसी मिमीज पे मिलेंगे, एनिमीज पे मिलेंगे, चार्ट पे मिलेंगे, लोगोस में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, लोगो बने हुए हैं सभी, ये आप कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से उठा के। ये वेपन्स हैं, यहाँ पे आपको वेपन्स मिलेंगे, बहुत कूल स्टफ आपको मिलेगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोस्तों सब कूल स्टफ है, यहाँ पे बहुत कूल स्टफ है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इमोशंस हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, जहाँ से इमोशन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कूल टेक्स्ट है, कीबोर्ड है, यानी कि जो दोस्त कीबोर्ड पे यानी कि पीसी से यूज़ कर रहा है वो कीबोर्ड पे भी स्पेशल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पे सब कुछ बता रहा है, आप इसमें जाएंगे तो आपको बता देगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि बहुत ही अच्छी है, इसी तरह ही कूल लेटर्स आप वहाँ से कॉपी करके अपनी फेसबुक में पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल ऐप की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने एंड्रॉयड ऐप की तरफ, जहाँ से हम इमोजी आर्ट पिक्चर्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी एंड्रॉयड ऐप भी है, तो आप प्ले स्टोर में जाइए सबसे पहले अपने इसको डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इमोशंस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपने इस तरह से टेक्स्ट इमोशन लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास ये देखें थंब वाला आइकन आ जाएगा टेक्स्ट इमोशन, इसको आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। दोस्तों इस तरह से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी ये जितने भी पिक्चर्स हैं इसे आप कॉपी कर सकते हैं। ये अदर्स है, ये टेक्स्ट आर्ट है, ये बर्थडे हैं, यानी कि बर्थडे का आप कोई भी अगर इसमें से कॉपी करना चाहते हैं इसमें से कॉपी कर सकते हैं कोई सा भी एक। ये न्यू ईयर है, ये लव है, इस तरह से दोस्तों सारे हैं। मैं आपको एक कॉपी करके दिखा देता हूँ, आपने इसके ऊपर पुश करके रखना है और इस पर कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर लेना है। दोस्तों अब आपके फ़ोन में ये कॉपी हो चुका है, तो आप इसे किसी भी जगह पर जाके पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप है, चाहे वो आपकी फेसबुक है, चाहे वो आपके फ़ोन से यानी कि आपके फ़ोन नंबर से आप किसी को सेंड करना चाहते हैं वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से जाके पेस्ट करके अगले बंदे को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैं फेसबुक पे आया, अपनी फेसबुक पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं इसे अपने स्टेटस में पेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये सेम इस पर पेस्ट हो गया। मैं इसे यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ तो आपके सामने आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट हो जाएगा सेम टू सेम। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ये टाइमलाइन पे पोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर्स को इमोजी आर्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये हम दोबारा इसमें जाते हैं दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें, अगर कुछ आप अपने से ऐड करके लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप इसमें आइए DIY में, यानी कि जो भी आपने कॉपी किया है आप इधर आके पेस्ट कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू इमोशंस। तो दोस्तों आप यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, हमने पेस्ट किया और यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी अपने से ऐड कर सकते हैं अपने मैसेज से। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे ब्रदर लिख दिया और यहाँ पे इसे
और डिज़ाइन दे दिया। ये इस तरह से सेव करके दोस्तों आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिर कॉपी क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे आके अपने व्हाट्सएप में जाके दोस्तों आप इसे व्हाट्सएप में भी किसी भी अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए कि मैं यहाँ पे अपने किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे सेंड करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने किसी भी फ्रेंड को सेंड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके किया और यहाँ पे पेस्ट करके सेंड किया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप पे भी मैंने सेंड कर दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।